जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी आंटी यानी के मंजीत कौर तवा साफ कर रही है। क्यों? क्योंकि आज ये अपने हाथों का जादू दिखाएंगी आपको, क्योंकि आज ये बनाने वाली है मूली का पराठा। मतलब इनके हाथों में जादू है पराठे में, मतलब इतने सारे पराठे बनाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो अगर आपने सीखना है मूली के पराठे स्पेशल रेसिपी तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, मंजीत कौर का जादू। तो पराठा बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मूली को धो के छील के इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है, जैसे कि हमारी आंटी कर रही है, ये देखिए इस तरीके से। और जो आपने कद्दूकस करना है वो मोटे वाले छेद से करना है, बारीक वाले से ना करें। इस चीज का भी ध्यान रखना है, मतलब छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। और आंटी ने मूली ली है चार, और इन चार मूली का वजन है 1.5 किलो। वजन करके लिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कद्दूकस। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कोई बना रहा है और मैं आराम से खड़े होके हाथ बांध के देख रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है। अब आंटी आपको बताएगी कि मूली ग्रेट करने के बाद, कद्दूकस करने के बाद आपने क्या करना है। सबसे पहला काम, मूली ग्रेट करने के बाद आपने एक ऐसा कपड़ा लेना है सबसे पहले, और इसके अंदर आपने ग्रेट की हुई मूली रख देना और इसको नचोड़ लेना है। मतलब जब भी आप मूली का पराठा बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। यह हमारे मंजीत कौर इस कपड़े में लपेट के कम से कम 10 मिनट इधर उधर टहलती है, दबाती है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अभी वो निकाल के दिखाएगी। उन्होंने मुझसे बोला है मैं बोलूंगी नहीं, इसके लिए मुझे बोलना पड़ा है, नहीं तो आज तो मेरे मजे आ जाते, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए आंटी में 10 का दम है, सभी पानी नचोड़ के निकाल देगी अभी। ये देखिए जब आप इस तरीके से दबा दबा के नचोड़ लेंगे और पूरा पानी खत्म हो जाएगा, जैसे कि इसमें खत्म हो गया है, तब आपने क्या करना है, ये जो नचोरी हुई मूली है इसको एक दूसरे बॉल में डाल देना है, जैसे कि हमारी आंटी ने डाल दिए इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको चेक भी करना है ऐसे कि हाँ सूखी या नहीं। अगर नहीं सूखी है तो आप दोबारा से नचोड़ सकते हैं दूसरे कपड़े में डाल के, अगर गीली लग रही है आपको। अगर सूख गई है तब आपने क्या करना है, इसमें मसाले में डालना है सबसे पहले 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 से 1/2 टीस्पून जीरा, आंटी ने बोला मसाले कम कम डालना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये क्या था आंटी, ये भी नोनी था, मतलब आप 1/2 से 1/2 टीस्पून डाल लें। और 1 टेबल स्पून भर के अदरक बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून ये धनिया के पत्ते, वाओ मजा आने वाला है आज तो। और ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ये इनका फेवरेट है मेरी तरह। उसके बाद आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है, और कुछ डालना नहीं डालना है, बस इतनी चीजें। मुझे लग रहा है ये कुछ भूल गए आंटी, अजवाइन, अजवाइन पावांगे, अजवाइन भी पावांगे, तो कितनी पावेंगे ये आंटी अभी आधा चम्मच डालेगी दिखाएगी। ये आंटी ने डाल दिया अजवाइन 1/2 टीस्पून, आपने भी जरूर डालना है। और ये देखिए इसका शक्ल मसाले की कितनी अच्छी लग रही है। और अजवाइन डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है पहले, उसके बाद पराठे बनाना स्टार्ट। अब आंटी पराठा बना रही है, आंटी आटे के बारे में भी कुछ बताइए। आंटी नहीं बोलेगी, आंटी ने मुझे पहले मना कर दिया, लेकिन मैं भी बार बार पूछ रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक बढ़िया आटा गूंद देना है सॉफ्ट, जैसा आप रोटी के लिए गूंदते हैं। और ये देखिए आंटी की लोई कितनी स्पेशल है, छोटी छोटी, क्योंकि इनका जो तरीका है ना पराठा बनाने का वो थोड़ा सा हमसे अलग है। ये देखिए ऐसी प्यारी प्यारी लोई बनानी है। आंटी इधर रखो लोई ताकि अच्छे से दिखे हमारे फैमिली को। ये देखिए ऐसे आपने लोई बनानी है छोटी छोटी, लेकिन हम बहुत सारे पराठे बनाने वाले हैं अपने सभी फैमिली के लिए, लेकिन अभी आंटी आपको सिर्फ एक पराठा बना के दिखा देगी ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो। ये देखिए ऐसे आपने लोई बना लेनी है छोटी छोटी, फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए ऐसे लोई बनाने के बाद इस तरीके से, जैसे हमारी मम्मी नानी दादी बनाती है ना आपकी सबकी, ऐसे आपने हाथ से इसको बड़ा करना है। देखिए इस तरीके से
उसके बाद इसको बेलना है। पहले आपने एक लोई बेलना है, इतनी बड़ी पूरी के जितनी, उसके बाद दूसरी। ऐसे बेलने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने मूली का मसाला बना के रखा था वो रखना है। देखिए वाओ, इस तरीके से। फिर दूसरी भी जो हमने बेल के रखा था वो इसके ऊपर रख देना है। देखिए दबा दिया, उसके बाद इसको अच्छे से बेल लिया आपने। ये देखिए ऐसे बेल लेना आपने। इससे क्या होता है, आपका पराठा एकदम पतला थिन बनता है। मतलब सबसे अच्छा तरीका पतला बनाने का यही है। ये देखिए कितना प्यारा पराठा हुआ है, एकदम पतला नरम सॉफ्ट होएगा। मतलब ये देखिए ऐसा आपने पतला बनाना है। अब आंटी पराठा सेकने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं आंटी टेम्परेचर चेक कर रही है, इसका मतलब ये कि आपका तवा गर्म होना चाहिए, साफ होना चाहिए तवा, और गैस स्लो होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको तवे पे डाल देना है इस तरीके से। और इसके पकाने का तरीका क्या है, पहले आपने एक तरफ अच्छे से कलर ले लेना है हल्का सा, उसके बाद इसको पलटना है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक तरफ नीचे कलर आया या नहीं, वो आंटी आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएगी थोड़ी देर के बाद। अब आंटी ने मुझे बता दिया कि कलर आ गया है। कैसे बताया, ये देखिए यहाँ पर पराठे का कलर दूसरा हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं ना दूसरा है, इसका मतलब कलर आ गया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। अभी आंटी ने और इसको पकाना है घी लगाने के बाद। ये देखिए पंजाबी और घी, बताइए आपको कितना मोहब्बत है घी से। ये देखिए ऐसे बढ़िया से घी लगाना है, फिर पलट देना है। अब इधर भी घी, वाह मजा आ गया। हाँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, आप मैं बात कर रहा हूँ पता चल रहा होगा आपको। पराठा देख के पहली बार, ओफ क्या कलर आया, लाल देख रहे ना आप, ऐसा ही कलर लेना है आपने, एक नंबर, पलट पलट के ऐसा कलर लेना है जैसा कि आंटी ने पराठे पे लिया, एकदम लाल। इसको बोलते हैं लल छौंदा कलर मेरी भाषा में, एक नंबर। ये देखिए अब वाह, आंटी ने बोल दिया कि बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फोटो खींच ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से हटाते हैं। अब फोटो मैंने खींच लिया है, अब पराठा है रेडी। ये देखिए वाह भाई वाह, मजा आ गया। और इस पे आंटी ने रखना है ढेर सारा मक्खन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पंजाबी। ये देखिए अब इसको मैंने तो खाना नहीं, इतना मक्खन आधा मैं खाऊंगा बिना मक्खन का, बाकी आधा खाएगी आंटी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने क्यों बोला कि आंटी इतना मक्खन खाएगी, क्योंकि मैं अंकल से मिला था, अंकल ने बोला कि बहुत ताकत है, बहुत घी पिया है आंटी ने, इसके लिए मक्खन, सी लव मक्खन। तो वीडियो को जरूर आपने शेयर करना है आंटी के पराठे के लिए।